नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको हिंदी कहानी के विकास के बारे में एक वीडियो अपनी डाली थी। आशा करता हूँ कि आप सबने देख ली होगी, और कमेंट भी आपके आए हैं, कुछ विद्यार्थियों के आए हैं, कुछ विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सएप भेजे हैं। कमेंट की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये है कि आपको कुछ उसमें से समझ आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहानी के विकास के बारे में, उसकी भूमिका और भारतीय विद्वानों के, हिंदी विद्वानों के मैंने कुछ व्याख्याएं बताई थी, कि कहानी की परिभाषाएं बताई थी कि उन्होंने क्या क्या कहा है। जैसे मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताया था, गेज के अनुसार बताया था, और इलाचंद जोशी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार, लक्ष्मी नारायण लाल, बाबू गुलाब राय, इन सब की मैंने आपको परिभाषाएं समझाई थी एक बार, कि ये अपने अपने भाषा में, अपने अपने जहन से कहानी को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, वो आपने सब सुन लिया होगा। ये एक शुरुआत थी, इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो एक शुरुआत थी, और इसी शुरुआत को हमने आगे लेके जाना। जैसे सबसे पहले हमने कहानी की परिभाषा बतला दी, भारतीय विद्वानों द्वारा, हिंदी के लेखकों द्वारा कहानी को क्या कहा गया, ये हमने आपको बतला दिया। अब इसके बाद हम दो तीन चार जो परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों की भी ले सकते हैं, कि पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी परिभाषाओं को जो हम कंक्लूड कर लेते हैं, तो वो एक कहानी का स्वरूप बन जाता है, कहानी की परिभाषा और उसका स्वरूप। इसके पश्चात, इसके बाद में शुरू हो जाते हैं तत्व, जिसको हम इंग्लिश में एलिमेंट्स भी कहते हैं, तत्व, है ना। तो कहानी की परिभाषा, स्वरूप, इसके तत्व, तत्वों के बाद विकास शुरू हो जाता है, विकास के जो पड़ाव हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि आपको चाहे कहानी का विकास है, उपन्यास का विकास है, नाटक का विकास है, ये आपको पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और आपने विकास करना है, लेकिन आपको विकास तभी संभव है जब आपको कहानी के बारे में कुछ पता हो, कि कहानी कैसे शुरू हुई थी, इसके विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने, भारतीय आचार्यों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने क्या, कौन कौन सी इसको परिभाषा से परिभाषित किया, और इसको स्वरूप कैसे बना, फिर उसके बाद प्रथम कहानी कौन सी थी, उसके बाद कहानी का विकास कैसे हुआ, चरम बिंदु में हम किसको रखते हैं, कौन कौन से पड़ाव आते हैं विकास में, इन सभी बातों को हमने जानना है। क्योंकि हमें ये जो प्रश्न ऐसे आएंगे कि आप कहानी के विकास के बारे में आप नोट लिखो, या आपको प्रश्न आएगा कि कहानी के विकास को अपने अलग अलग पड़ावों में परिभाषित कीजिए, कहानी की परिभाषा बदलाकर इसके विकास पर चर्चा कीजिए, और साथ में छोटे छोटे प्रश्न जो आपको लघु प्रश्न भी आते हैं वो ये आएंगे कि साथ में प्रथम कहानी कौन सी है, इस कहानी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ कौन कौन सी हैं, जयशंकर प्रसाद के जो कहानी संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह कौन से हैं, प्रथम कहानी किसे माना जाता है, उसके लेखक कौन है, ये सारा आपको छोटे छोटे में आपको साथ साथ में करवाता जाऊंगा। जब मैंने आपको ये पहले करवा दी है, कुछ परिभाषाएँ, भारतीय परिभाषाएँ मैंने करवा दी थी, तो उसके बाद एक एक आधी परिभाषा जो रह गई थी, मैं आपको लास्ट में करवाना चाहता हूँ। जैसे काशीनाथ सिंह की मैं आपको परिभाषा से समाप्त करूंगा, उसके बाद मैं कराऊंगा कि भारतीय पाश्चात्य विद्वानों की क्या क्या परिभाषाएं हैं। काशीनाथ सिंह के अनुसार, मैं इतिहास को नहीं अपने वर्तमान को ही लिखता हूं जो जी रहा हूं। काशीनाथ जी, देखिए, एक कहानी के बारे में क्या परिभाषा दे रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने इतिहास को नहीं, अपने वर्तमान को लिखता हूँ जो जी रहा हूँ, जो कुछ, वह काशीनाथ जी कहते हैं, जो कुछ मैं अनुभव करता हूँ उसी को मैं लिखता हूँ, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और जो मैं खुद जी रहा हूँ, जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, ये कहानी की परिभाषा है, स्वयं जी दी है, जो काशीनाथ सिंह ने दी है। तो ये कुछ परिभाषाएं मैंने इससे पहले भी आपको बतलाई थी, उन परिभाषाओं को जोड़ते हुए मैंने ये आखिरी परिभाषा आपको दी है, तो आपने इसको देख लेना है। अब मैं, अगर अपने हिसाब से, मैंने भी सोचा था कि मैं भी कहानी को परिभाषित करूं, तो मैं ये कहता हूं कि अतीत की स्मृतियों में, अतीत की, जो बीत चुका समय है, अतीत की स्मृतियों में से किसी एक महत्वपूर्ण घटना को क्रमबद्ध करके प्रस्तुतिकरण का नाम ही कहानी है।
एक बार फिर सुनिए कि अतीत की स्मृतियों को कि अतीत की स्मृतियों में से जो मेरी अतीत की स्मृतियां हैं, जो मेरी पुरानी अतीत की स्मृतियां हैं, उसमें से जब हम देखते हैं कि जो अतीत की स्मृतियां हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण घटना को जब मैं ले लेता हूं, जब मैं किसी एक महत्वपूर्ण घटना को ले लेता हूं, तो उस घटना को क्रमबद्ध करके, उस घटना को मैं एक सीरियल वाइज करके क्रमबद्ध करके उसके प्रस्तुतिकरण का नाम जो कहानी है वो स्टोरी है। ये ऐसी लिखनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि घटना पाठक वर्ग पर एक जैसा ही प्रभाव डाले, यानी कि जैसे आप पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ रहा हूँ या कोई भी पढ़ रहा है, उससे उसके मन पर, सभी के मन पर एक जैसा ही प्रभाव डाले। वो एक ही उद्देश्य पर उतरे कि इस घटना को लेकर ये कहानी या ये कथा लिखी गई, इसका ये उद्देश्य रहा है, सब पर एक ही जैसा प्रभाव डाले, दैट इज़ कॉल्ड स्टोरी। ये कुछ भारतीय जो विद्वानों के, भारतीय लेखकों के कुछ मत थे, एक मैंने अपना मत भी दिया लास्ट में आकर के। तो उसके बाद मैं कुछ दो तीन जो है पाश्चात्य दृष्टिकोण बताता हूँ कि ये पाश्चात्य जो लेखक हैं वह कहानी के बारे में क्या कहते हैं। एच जी वेल्स, अंग्रेजी के लेखक एच जी वेल्स के अनुसार, कहानी तो बस वही है जो एक ही बैठक में बैठ करके पढ़ी जा सके। स्टोरी इज ए पीस ऑफ फिक्शन दैट कैन बी रीड इन ए सिंगल रूम, एक कमरे में बैठ करके पढ़ी जा सके, थोड़ी देर में पढ़ी जा सके, आधे घंटे में पढ़ी जा सके, 20 मिनट में पढ़ी जा सके, छोटी कहानी है ना। तो उसको एच जी वेल्स कहते हैं कि कहानी बस वही है जो एक ही बैठक में बैठ करके पढ़ी जा सके। उसके बाद एडगर एलन पो जो हैं वो कहते हैं कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा होता है कि एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, जिसे पाठकों पर प्रभाव डालने के लिए लिखा गया हो, जिसमें ऐसा कोई भी प्रसंग ना हो जो प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक ना हो। कितनी अच्छी बात है, देखिए एक बार फिर आराम से सुनिए। कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक छोटा होता है, एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, जब आपने उसको शुरू कर लिया तो एक ही बैठक में आप उसको पढ़ लें, जिसे पाठकों पर प्रभाव डालने के लिए लिखा गया हो, जो जिस लेखक ने उसको लिखा है उसका लिखने का जो जो महत्वपूर्ण कारण है कि उस पर सभी पाठकों पर, पढ़ने वालों पर एक ही प्रभाव डाले, वो कोई भी ऐसा प्रसंग ना हो जो प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक ना हो, भी ऐसी बात कोई भी ना हो कि जिससे किसी पाठक वर्ग को उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। विलियम हेनरी के अनुसार कहानी को हमें इस रूप में परिभावित करना चाहिए कि वह रूपरेखा में पूर्णतः स्पष्ट हो, संतुलित उद्देश्य के लिए लिखी गई हो, किंतु भीड़ भाड़ से तनिक भी संकेत से रहित और अपने ताने बाने में पूर्ण हो। बड़ी अच्छी बात है, देखिए ऐसी होनी चाहिए कि वह रूपरेखा में पूर्णतः, उसका रूपरेखा जो आपने किसी विषय को लिया वो पूर्णतः हो, स्पष्ट, पूर्णतः स्पष्ट हो, संतुलित उद्देश्य के लिए, संतुलित उद्देश्य, आप किस विषय पर जो आप लिखें, आपका खुद क्या उद्देश्य है, किस विषय पर, किस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है वो उसमें क्लियर होना चाहिए। और किंतु भीड़ भाड़ से तनिक भी संकेत से रहित, भीड़ भाड़ से आप अनावश्यक तत्वों को, अनावश्यक सॉरी पात्रों के समूह के कारण कहानी की मूल घटना ना कहीं गुम हो जाए, भीड़ भाड़ से तनिक भी संकेत से रहित और अपने ताने बाने में पूर्ण हो, मतलब कि जो आप किसी विषय को आप जो लिख रहे हैं वो पूरा का पूरा उसमें खरी उतरती हो। जेम्स डब्ल्यू लीन के अनुसार किसी एक पात्र के जीवन में आने वाली किसी मोड़ को संक्षिप्त और नाटकीय ढंग से किया गया चित्रण ही कहानी है। जेम्स डब्ल्यू लीन वो कह रहे हैं कि किसी एक पात्र, मतलब अब एक घटना की बात करते हैं, एक घटना के साथ साथ वो कहते हैं किसी एक पात्र, मतलब कि आप किसी व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं, किसी व्यक्ति की घटना को आप पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो घटना व्यक्ति सिर्फ एक नहीं ना होगा, वो किसी समाज के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो वो एक घटना जो है उसमें से एक व्यक्ति के जीवन में आने वाले किसी मोड़ को भी, उसके जीवन में ये घटना घटी थी किसी एक व्यक्ति के जीवन में, तो उसको संक्षिप्त मतलब छोटा सा ब्रीफ करके, छोटा सा करके नाटकीय ढंग से किया गया चित्रण की कहानी है, ये जेम्स डब्ल्यू लीन कहते हैं। सर ह्यू वालपोल के अनुसार कहानी तो बस कहानी होनी चाहिए, सिंपल साधारण,
बस कहानी कहानी होनी चाहिए, अर्थात उसमें घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा होना चाहिए, वह आकस्मिकता से परिपूर्ण हो, उसमें विकास हो, कौतूहल हो, चरम बिंदु हो, संतोषजनक अंत हो। स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण, कि आप जब उसको पढ़ने लगे तो आप आगे जानने की इच्छा, आप में कौतूहलता होनी चाहिए, घटनाएं का लेखा जोखा होना चाहिए। चरम बिंदु पर जाते जाते वह अपने संतोषजनक अंत तक, यानी कि अपने उद्देश्य तक पहुंच जाए, वह कहानी है, सर ह्यू वालपोल के अनुसार। अब ये कुछ मैंने जो पाश्चात्य विद्वानों की भी आपको ये परिभाषाएं दी हैं, तो सब में कहानी में सभी, चाहे भारतीय विद्वान है चाहे पाश्चात्य विद्वान, सभी ने कथा को तो माना ही है, उसमें घटना को भी माना है, उसमें पात्रों की शमूलियत भी मानी है, उसमें उद्देश्य को भी माना है, उसमें सभी तत्वों को वो स्वीकार करते हुए चलते हैं, और ये भी मानकर के चलते हैं कि पाठक वर्ग पर एक जैसा प्रभाव डाल दे, कौतूहलता के साथ साथ वो अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाए। ये दैट इज़ कॉल्ड स्टोरी, कहानी ऐसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, गल्प है, एक छोटा सा गमला है जो एक एक ही प्रकार के फूलों को जो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वो ऐसा उद्यान नहीं है, कहानी एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति प्रकार के फूल खिले हों, भांति भांति प्रकार के पौधे हों, भांति भांति प्रकार के उसमें फूलों के अलग अलग हमें सुंदरता देखने को मिले, नहीं, कहानी एक छोटा सा एक गमला है जिसमें कि एक ही प्रकार के फूल खिले होते हैं, दो तीन फूल बस, दो तीन फूल का मतलब दो तीन पात्र ही होते हैं, छोटी सी घटना होती है, तो वो घटना हम लेकर के चलते हैं, और जो पाठक वर्ग पर एक जैसा प्रभाव डाले, एक जैसा उसका उद्देश्य हो, सबको से एक जैसा उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि सभी कहानियों को एक जैसा उद्देश्य हो, सभी कहानी के लेखकों का जो उद्देश्य है वो सभी को एक जैसा ही समझ में आए, वो सभी एक ही दृष्टि से उसको उसका मापदंड करें, भी हाँ ये बिल्कुल वो इस बात के ऊपर ये जो है जोर दे रहे हैं कहानीकार लेखक जो हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने जितनी भी परिभाषाएं दी हैं सबका जो परिभाषित करके जब इसके स्वरूप को लिखते हैं तो सब में कुछ जो बातें सब में कॉमन जो आ जाती हैं। अब कहानी जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कहानी का नामकरण कैसा होना चाहिए, नामकरण, अब स्टार्टिंग में ही हम शुरुआत में हम कहते हैं कहानी का नामकरण, तो गद्यात्मक साहित्य का एक महत्वपूर्ण रूप कहानी है, गद्यात्मक, गद्य की विधाओं में से कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, ये जो है सब लिखते हैं, तो ये कहते हैं कहानी गद्यात्मक साहित्य का एक महत्वपूर्ण रूप कहानी है, इस रूप के अंतर्गत अनेक नामों का समाहार कर दिया गया है। आप जैसे हम कहते हैं कि कहानी, हम इसको कथा भी कहते हैं, लघु कथा भी कहते हैं, छोटी कहानी भी कहते हैं, आख्यायिका भी कहते हैं, गल्प भी कहते हैं, ये नाम है, कथा, लघु कथा, छोटी कहानी, कहानी, आख्यायिका, गल्प। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहानी के नामक विधा का लक्षण लिखते समय आख्यायिका प्राचीन शब्द का ही प्रयोग किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जब कहते हैं कि ये जो है इसमें सबसे अधिक बल देते हैं, वो क्या कि इसका प्राचीनतम जो नाम है आख्यायिका, आप अपने जब आप प्रश्न करते हैं ना, तो आप अपने टीचर से भी, अपने किसी से भी, आप ये शब्द बहुत कम प्रयोग करते हैं आख्यायिका, लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं ये सबसे प्राचीन जो विधा नाम कहानी का नाम जो नाम लिखते समय कहते हैं, इसे आख्यायिका प्राचीन शब्द का ही वो प्रयोग करते हैं। ये नामकरण की बात है, इसके क्या क्या कहा जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं कहानी के तत्व। कहानी के तत्व आप सबको ही पता है कि कहानी के कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले तो आपके मन में एक घटना क्रम उत्पन्न होता है, आप उस घटना को पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो ये घटना मतलब सबसे पहले कथानक आता है आपके मन में, कथानक जिसमें आप घटना का विवरण करते हैं कथा के माध्यम से, फिर पात्र और चरित्र चित्रण या पात्र चित्रण, ये बात आती है नंबर दो पर। तीसरे नंबर पर आता है कथोपकथन, इसको हम संवाद, कथोपकथन अथवा संवाद, वातावरण अगला जो इसका तत्व है, शैली, भाषा शैली जिसको कहते हैं, शैली या भाषा शैली, और उद्देश्य, ये तत्व जो है स्वीकार किए गए हैं, कथानक, पात्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण,
भाषा, शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्व जो है मुख्य रूप से जो कहानी की जो स्वीकार की जाते हैं। अब कथानक की बात करते हैं। सबसे पहला जो तत्व है वो कथानक है। देखिए, जो मैं आपको कहानी के विकास के बारे में बता रहा हूँ, ये सारा विकास, विकास का मतलब होता है भी जब से आपने कहानी शुरू हुई, कहानी को कैसे लिखा गया, कहानी की परिभाषाएं क्या क्या थी भारतीय विद्वानों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने क्या क्या कहानी की परिभाषाएं दी। ये आपने सबने पिछली वीडियो में भी देख ली, अब इस वीडियो में भी देख लेंगे। तो दूसरी बात, कथानक के बाद कहानी का नामकरण की बात आती है। नामकरण मतलब कि कहानी के क्या क्या नाम है, मतलब कहानी का नामकरण नहीं है, जो आप कोई कहानी लिख रहे हैं उसका नामकरण नहीं है, इसको कहानी को और क्या क्या नामों से पुकारा जाता है। उसके बाद आगे पॉइंट अगले जो हैं इसके तत्व। तो तत्वों में 6 तत्व मैंने आपको बताए जो महत्वपूर्ण माने गए और जो स्वीकार किए गए हैं। उनमें से सबसे पहला तत्व है कथानक। अब कथानक की जब बात करते हैं, हमारा जो शरीर है वो एक हड्डियों को ढांचे पर हमारा जो शरीर निर्मित होता है। अगर हमारे हड्डियां शरीर में ना हो तो हमारा शरीर खड़ा नहीं हो सकता। उसको खड़ा करने के लिए बीच में जिसका बल है वो हड्डियों का है। तो उसी प्रकार कथा वस्तु के ढांचे पर कहानी निर्मित होती है। अगर कथा वस्तु की बात करते हैं तो कहानी निर्मित ही कथा वस्तु के ऊपर होती है। अगर कथा वस्तु उसका कथानक नहीं है तो फिर कहानी बन ही नहीं सकती। कहानी तभी बनेगी जब उसका कोई कथा वस्तु, कोई घटना हो। इसकी कथा वस्तु अत्यंत संक्षिप्त होती है। छोटी सी घटनाओं को किसी को लेकर के लिखा जाता है, क्योंकि ये कोई रमणीय उद्यान तो नहीं है, ये उपन्यास तो नहीं है जिसमें एक जीवन की कथा हो। ये तो कोई किसी व्यक्ति के जीवन की घटना का कोई एक छोटा सा पहलू, कोई एक अंश है जिसको हम प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम कहानी कहते हैं, कथा कहते हैं, आख्यायिका कहते हैं, लघु कथा कहते हैं। तो एक संक्षिप्त होती है। कहानीकार जीवन के नाना पक्षों में से किसी एक मार्मिक पहलू का चयन करके सीधा अपने ही एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। किसी एक लक्ष्य को लेकर के, मतलब किसी एक घटना के किसी एक बिंदु को लेकर के वो आगे बढ़ता है और उस घटना को पाठक वर्ग के सामने रखने का उसका उद्देश्य होता है और जिस घटना को वो हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है, ये उसका जो है वो मेन उद्देश्य रहता है कि मैं इस घटना को, इस बात को मैं समाज तक पहुंचा सकूं। अब देखना, अगर आप इसको ध्यान से सुनते जाएंगे ना, तो आपको ये सारा का सारा प्रश्न हूबहू ऐसे ही तैयार हो जाएगा जैसे कि मान लो कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। तो ऐसे ही उपन्यास का है, फिर नाटक का आ जाएगा, कहानी का, उपन्यास का विकास, फिर नाटक का विकास। ये मैं आपको प्रश्न अगले करवाता रहूँगा, लेकिन आपको ये देखना है और दत्चित होकर अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो उसका कहते हैं कि कहानी के केवल 3 सोपान होते हैं। अब कथानक जो बात है, घटना जो कथानक है, तो उसमें 3 सोपान है। पहला तो आरंभ, शुरुआत आपने कहानी की कैसे करनी है, कथानक की शुरुआत आपने कैसी करनी है। फिर उसके बाद आते हैं विकास, विकास और उसके बाद चरम सीमा। तो आरंभ के अंतर्गत पात्रों का व्यक्तिगत परिचय, जैसे कहानी को शुरू हो जाती है उसका हम आरंभ शुरू करते हैं, एक राजा था, एक रानी थी, या एक गांव में एक किसान था, एक मजदूर था, मतलब शुरुआत हम किसी पात्रों की व्यक्तिगत परिचय शुरू करते हैं। कथानक की घटनाओं के साथ उनका संबंध, वातावरण निर्माण और अन्य आवश्यक बातों का चित्रण होता है। ये आरंभ की बात है। अब जब ये सारी छोटी छोटी बातें हम शुरुआत में कर देते हैं, आरंभ की बात शुरू होता है। अब विकास क्या है, कहानी किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। विकास में कथा का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जो हम अपने उद्देश्य को लेकर चलते हैं उसमें आप एक जैसे तरंगनी, जैसे नदी दो पार्टों के बीच में रह करके चलती है ना, तो इधर उधर नहीं भटकती। तो ऐसे ही वो ये विकास जो है कहानी का एक हमारे चरम बिंदु की ओर, एक उद्देश्य की ओर कहानी शुरू चलती हो जाती है। और विकास में कथा के संघर्ष का प्रारंभ हो जाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है चरम सीमा। तो चरम सीमा जब आप कहानी को घटना के माध्यम से पाठक वर्ग को आप उस घटना के साथ जोड़ करके उस घटना को आप अपने तरीके से उनको बताना चाहते हैं, वो उसको एज इट इज़ वैसे का वैसे ही वो स्वीकार कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है। दूसरी बात ये कि चरम सीमा में अपने उद्देश्य की ओर वो कहानीकार लेखक जो है पहुंच जाता है। जो कहानी की चरम सीमा की बात करें तो बिजली की कोंद की तरह अपना तीव्रतम प्रकाश विकीर्ण करती हुई समाप्त हो जाती है।
ये जो ये प्रकाश है ना, जो जैसे मतलब कि आसमान में एक चमकती हुई बिजली जब आप देखते हैं तो सभी के मन पर एक ही प्रकाश, एक ही प्रभाव डालती है भी। हाँ, वो जी बिजली चमकी थी, उसकी लाइन ऐसी थी, उसकी उसकी चमक ऐसी थी, उसका प्रकाश ऐसा था, वो सब पर मन पर एक अमिट प्रभाव छोड़ जाती है। वैसे ही जो है चरम सीमा पर पहुँच कर की कहानी अपने हर एक पाठक के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ देती है। अब जो कथा वस्तु है, जैसे हम घटना की बात करते हैं, कथानक की बात करें, तो ये तीन प्रकार के हो सकते हैं घटनाएं भी। आप किन किन विषयों पर कहानी लिखना चाहते हैं? अनेकों विषय हैं, बेशुमार विषय हैं। तो आप इन को अगर हम संक्षिप्त में समेटने की बात करें तो हम थोड़े से जैसे तीन तीन प्रकार हो सकते हैं इसके, कहानी की घटनाओं के, कहानी के कथानक, सॉरी। तो कथानक कितने प्रकार है? तीन प्रकार के। कौन कौन से कथानक? नंबर एक पर घटना प्रधान कथानक, किसी भी घटना पर आधारित किसी कथा को लिखना, तो ये घटना प्रधान हो गए। फिर चरित्र प्रधान कहानियाँ या चरित्र प्रधान कथानक भी, किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र को उभार कर समाज के सामने रखना, पाठक वर्ग के सामने रखना, तो ये चरित्र प्रधान हो गए। और भाव प्रधान वाला, अपने भावों को, व्यक्तिगत भावों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, पाठक वर्ग तक पहुंचाना, ये हैं भाव प्रधान कथानक। तो घटना प्रधान में कथा वस्तु में घटना और संयोग का आधार रहता है। चरित्र प्रधान में कथा वस्तु के चरित्र के माध्यम से विकसित होती है। और भाव प्रधान में अत्यंत सूक्ष्म अमूर्त होता है ये भाव प्रधान, जहाँ मनोभावों के विश्लेषण के साथ साथ जो है कहानी समाप्त हो जाती है। तीन तीन जो है प्रकार हो सकते हैं कथा वस्तु के, घटना, चरित्र और भाव। छोटा प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ कि कहानी कितने, कथानक के कितने प्रकार हो सकते हैं? कथानक के प्रकार लिखो, कहानी के प्रकार लिखो। तो छोटा लघु प्रश्न अब यहाँ पर ये है ना, होती है बात ऐसी, आप जब आप प्रश्न पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप छोटे छोटे प्रश्न साथ साथ में हैं जो है लिखते जा रहे हैं, तो छोटे छोटे प्रश्न भी आप साथ साथ में तैयार करते जा रहे हैं। तो उसके बाद है रजे अगला पॉइंट, कथानक। हमने पहला पॉइंट कर लिया, कथानक के बाद आ गया चरित्र चित्रण। अब चरित्र चित्रण के बारे में आपको विस्तार से मैं आपको सुनाता हूँ। आज की कहानी कथा वस्तु से अधिक महत्व चरित्र चित्रण को दे रही है। चरित्र चित्रण में किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र को प्रस्तुत करना या किसी समाज की व्यक्ति के, आम व्यक्ति के चरित्र को प्रस्तुत करना श्रेष्ठ रहता है। तो वस्तुतः आज वही कहानी श्रेष्ठ समझी जाती है जिसमें कहानीकार अपने पात्रों का चरित्र चित्रण करता हुआ मनोवैज्ञानिक सत्य की व्याख्या करता है। मनोवैज्ञानिक सत्य की बात करता है, लेकिन किसके माध्यम से? चरित्र चित्रण के माध्यम से। वो मनोवैज्ञानिक बात किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी चरित्र के माध्यम से वो करता चलता जाता है। यद्यपि कहानी के पात्र लेखकीय कल्पना की उपज होते हैं, तथापि उसकी हाथ की कठपुतली नहीं होते वो। मतलब मैं कहानी लिख रहा हूँ, मैंने किसी व्यक्ति के चरित्र को लिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरी कलम है जो मर्जी उसके बारे में लिखती, नहीं, वो व्यक्ति जो कुछ है मेरी कलम उसी व्यक्ति के बारे में लिखेगी, ना कि मेरी कलम के हिसाब से उसका चरित्र बनेगा। मैं अगर जो कोई कहानी लिखता हूँ तो वो लेखक की कल्पना, मैंने कल्पना का समावेश किया है कहानी में, ठीक है, कुछ भी मैंने कल्पना का समावेश किया, क्योंकि ताकि कहानी में मनोरंजक तत्व आ सके, तो कहानी को पढ़ने के आगे जिज्ञासा उत्पन्न हो सके, लेकिन इस कल्पना उपज है कहानी की, ठीक है, लेकिन जो चरित्र चित्रण है वो उस लेखक के हाथ के कठपुतले नहीं होते वो। चरित्र चित्रण के चार प्रमुख प्रकार हैं। अब कौन कौन सी प्रकार है चरित्र चित्रण के? देखिए, पहला है वर्णन द्वारा, आप किसी चरित्र का वर्णन करते हैं। दूसरा है संकेत द्वारा, आप संकेतों द्वारा बात करते हैं। तीसरा है वार्तालाप द्वारा, जिसको हम संवाद कहते हैं। और चौथा है घटना क्रम द्वारा, जैसे हम किन किन्हीं घटनाओं का हम वर्णन करते हैं। तो ये सारी के सारे इसके क्या हैं? चित्र के प्रकार हैं प्रमुख चार, वर्णन, संकेत, वार्तालाप और घटना। अब वर्णन द्वारा चरित्र चित्रण के वो विश्लेषणात्मक प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण भी कहा जाता है। इस पद्धति द्वारा लेखक
स्वयं पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालता है। खुद जो लेखक लिख रहा है वो वर्णन के द्वारा लेखक चरित्र चित्रण के माध्यम से वो उनका वर्णन करता है पात्रों का। चरित्र चित्रण की सांकेतिक प्रणाली आज सर्वाधिक उपयुक्त और कलात्मक समझी गई है। यहाँ कहानीकार अपनी ओर से कुछ ना कहकर संपूर्ण परिणाम से अवगत होने का दायित्व पाठक पर छोड़ देता है। मतलब मैंने कहानी लिख दी, लास्ट में संकेत दे दिया, आप उसका अंत निकालो कि हाँ अब ये यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था या ऐसी ऐसी बात होनी चाहिए थी। जब आप खुद जब आपको कोई संकेत दे दिया जाए, लास्ट में क्ल्यू दे दिया जाए, ठीक है, तो उसको अपना उद्देश्य जो उनका परिपूर्ण हो जाता है जब लेखक उस कहानी को जब छोड़ता है कि अब जो संकेत के माध्यम से उसका परिणाम पाठक पर छोड़ देता है। अब है नेक्स्ट अगला वार्तालाप द्वारा। वार्तालाप किया गया चरित्र चित्रण अप्रत्यक्ष अथवा नाटकीय भी कहलाता है। इस पद्धति में परस्पर वार्तालाप द्वारा जहां पात्र एक दूसरे के चरित्र को स्पष्ट करते हैं, वहां अपनी कथन शैली पर भाषा भंगिमा द्वारा स्वयं अपने चरित्र का भी उद्घाटन कर देते हैं। वार्तालाप द्वारा जब एक दूसरे से बात करते हैं, घटना में कहानी में कथोपकथन वार्तालाप का तो आपको पता ही है महत्वपूर्ण स्थान है, तो वार्तालाप द्वारा किया गया चरित्र चित्रण अथवा प्रत्यक्ष अथवा नाटकीय भी कहलाता है। नाटकीय मतलब कि उसमें ड्रामेटिकल जो अंश भर जाते हैं, तो वहाँ वे जब इस बात को करता जाता है तो जहाँ एक और एक दूसरे चित्र को स्पष्ट करते हैं, वह अपनी कथन शैली भाषा भंगिमा द्वारा अपने चरित्र का भी उद्घाटन कर देते हैं। अगला है कहानी में कोई ना कोई घटना तो अवश्य होती ही है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, घटनाओं द्वारा, घटना तो होती है किंतु छोटी छोटी घटनाएं भी पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होती हैं। इसी पद्धति में कथा का घटना प्रभाव भी अक्षुण्य रहता है, साथ ही पात्रों के चरित्र का विकास भी होता चलता है। आप किसी घटना को लेकर लिखना चाहते हैं, कोई भी घटना आपके जीवन में घटी या किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में घटी या किसी समाज के किसी समुदाय में घटी, तो जब उस घटना को आप प्रस्तुत करते हैं तो वो घटना क्रम जो है वो चलता है, उसमें उस घटना के माध्यम से जो है क्रमिक जो है कहानी का विकास होता जाता है। ये इसके बाद अगला जो है चरित्र चित्रण के बाद बात करते हैं कथोपकथन की। कथोपकथन मतलब जब हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं। कथोपकथन किसी भी कहानी का प्राणदायक जो है एक तत्व होता है, एलिमेंट है, तो इसलिए एक कहानी का संवादात्मक चित्र विधा भी कहा गया, संवादात्मक संवाद करना ये भी कहा गया है। यह सच है कि संवादों के बिना कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन ऐसी कहानियों में गतिशीलता नहीं आ पाती। वस्तुतः संवाद कहानी में आकर अनेक कार्य करते हैं। अब मैं आपको कहानी के विकास के बारे में प्रश्न करवा रहा हूँ। मैंने पहले कहानी के बारे में बताया, कहानी की परिभाषा के बारे में बताया, भारतीय विद्वानों ने कहा था कि कौन कौन सी परिभाषाएं दी उनके बारे में बतलाया, पाश्चात्य विद्वानों ने अंग्रेजी में कहानी को क्या क्या कहा उसके बारे में बताया, कहानी के कौन कौन से कहानी का नामकरण के बारे में बताया, कहानी को किस किस नाम से पुकारा जाता है इसके बारे में बतलाया, फिर कहानी के तत्व कौन कौन से उनके बारे में बताया। उन तत्वों में कथानक के बाद चरित्र चित्रण, चित्र चित्रण के बाद अब कथोपकथन अथवा संवाद की बात कर रहा हूँ। तो कथोपकथन अथवा संवाद की जब मैं आपको बात आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ये देखिए कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और जब आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। ये संवाद, जब आप कोई भी कहानी लिखी जाती है तो पात्रों के द्वारा संवादों का विवरण होता है, पात्र एक दूसरे से बात करते हैं संवाद के माध्यम से, और वो संवाद छोटे छोटे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर संवाद ना हो, आप ऐसे चुप करके बैठे, मैं भी ऐसे चुप करके बैठा हूँ ऐसे, तो कहानी कहाँ आगे बढ़ेगी। जब तक मैं नहीं कुछ बोलूँगा, जब तक पाठक वर्ग नहीं कोई पूछेगा
कहने का तात्पर्य कि जब तक मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं और आप बोलें कि मैं सुनूंगा, तो ऐसे विधा से इसी इसी कारण जो है कहानी आगे बढ़ती है, जो पात्र एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कथोपकथन। तो पात्रों के चरित्र को उभारना, वर्णन में रोचकता का प्रभाव लाना, कथा वस्तु को विकसित करना, कहानी को अत्यधिक परम संवेद्य बनाना, विशिष्ट वातावरण का निर्माण करना, कहानी में स्वाभाविकता लाना, बहुत सारे कार्य कथोपकथन के द्वारा संपन्न होते हैं। संवाद जो है, सफल संवाद देश, काल, पात्र, परिस्थिति, घटना और भाव के अनुकूल होते हैं। साथ ही वे इनमें एक्चुअली बात यह है कि जो संवाद हैं देश काल के अनुकूल हों, पात्रों के अनुकूल हों, घटना के अनुकूल हों, भावों के अनुकूल हों, ठीक है, लेकिन अधिक लंबे संवाद नहीं होने चाहिए। जितने संवाद लंबे उतने उतनी ही उनमें बोझिलता आ जाएगी, जितने संवाद संक्षिप्त उतनी उनमें रोचकता बनी रहती है। तो कहते हैं छोटे छोटे सेंटेंस लिखो, छोटे छोटे वाक्य लिखो, तो ताकि जल्दी जल्दी उनको समझ में आ सके। संक्षिप्त हों संवाद, ध्वन्यात्मकता हों, अभिनयात्मकता हों, तर्कयुक्त हों, तर्क हो संवादों में, कौतूहल दीपक हों, चुटिले हों, प्रवेगपूर्ण हों और वक्रोक्ति प्रधान हों, ये कथोपकथन संवादों की बात करते हैं। अगला पॉइंट है राजी वातावरण। वातावरण मतलब कि किस प्रकार की कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, देश काल वातावरण की बात हम जब करते हैं। कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता लाने के लिए वातावरण का सहयोग परम आवश्यक है। बिना अगर आपको वातावरण के बारे में बात नहीं पता तो आप इतना नहीं समझ पाते। वातावरण प्रधान तथा ऐतिहासिक कहानियों में इनकी प्रमुखता रहती है। वातावरण के सामान्यतः तीन पक्ष होते हैं वातावरण के, कौन कौन से? नंबर एक, वह जो हमारी इंद्रिय विशेष को प्रभावित करे, हमारे इंद्रिय विशेष को प्रभावित करे, वह वातावरण कहानियों में आपको पढ़ करके अनायास ही आपकी इंद्रियां प्रसन्न हो जाएं। दूसरी, जो हमारी सौंदर्य अनुभूति को तृप्ति करता है, हम किसी किसी सौंदर्य अनुभूति को किसी व्यक्ति विशेष की या किसी घटना में आप किसी सौंदर्य की बात करते हैं तो सौंदर्य अनुभूति की तृप्ति करता है। तीसरा, वह जो हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को जागृत करता है, भी हाँ हमें और भी ऐसा होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए, हमें इसके बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, वो हमें जागृत करे व्यक्ति विशेष के बारे में। उच्च कोटि की साहित्य कहानियाँ इन तीन पक्षों में से किसी एक पक्ष को लिख करके लेकर के आगे बढ़ती हैं, चाहे वो इंद्रिय विशेष की बात करें, चाहे सौंदर्य अनुभूति की बात करें, या फिर वो सहानुभूति की बात करें। कला की दृष्टि से वातावरण प्रधान कहानियों का विशेष महत्व है, कला की दृष्टि से, क्योंकि लेखक को अपनी कला की काट छांट और तराश दिखाने के लिए उपयुक्त अवसर मिलता है इन इनके माध्यम से। अगला पॉइंट आ जाता है भाषा शैली। भाषा शैली जो है मतलब कि आप किस समुदाय में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं, कौन से कस्बे में, कौन से मोहल्ले में, वहाँ की भाषा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो भाषा शैली का जो है कहानी बहुत अधिक सफलता उसकी अभिव्यक्ति कुशलता पर निर्भर करती है। कहानी की भाषा जो है सरल हो, साधारण हो, मुंशी प्रेमचंद की जितनी मर्जी कहानियाँ पढ़ लो आपको बोझिल नहीं लगेगी, क्योंकि आम जन साधारण की बात करते हैं, आम जन साधारण की भाषा को प्रयोग करते हैं, ताकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी एक अनपढ़ व्यक्ति को भी वैसा ही प्रभाव डाले जैसा कि सब पर वो बराबर चले। तो भाषा सरल, स्पष्ट, चुस्त, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। उसमें भाषा शक्ति के प्रस्थान मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों, लाक्षणिक प्रयोग हों, स्वाभाविक अलंकार योजना हों, चित्रात्मकता हो, व्यंग्य व्यंजना हो, भाव और वस्तु के उत्कर्ष हेतु स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त होने चाहिए। ये सारी भाषा के कुछ गुण मैंने आपको बताए हैं। सामान्यतः भाषा शैलियों में जो कहानी लिखी जा सकती है वो पांच प्रकार की हैं। पांच प्रकार की भाषा शैलियों में कहानी लिखी जा सकती है। नंबर एक, ऐतिहासिक। अगर ऐतिहासिक कहानियों के बारे में बात करूँ तो मुझे जयशंकर प्रसाद जी का नाम सबसे प्रथम में याद आता है, क्योंकि वो ऐतिहासिक कहानीकार है।
इतिहासिक कहानियों में ये है कि इतिहास से संबंधित कहानियों की घटनाओं को लिया जाता है, उसमें रत्ती भर भी हेर फेर बदल बाद नहीं किया जाता। ऐतिहासिक कहानियाँ, आत्मकथात्मक कहानियाँ नंबर दो पर, तीसरा है संवादात्मक कहानियाँ, जैसे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, चौथा है पत्रात्मक कहानियाँ, पांचवी है डायरी, जैसे आप किसी घटना को किसी समय बैठ करके आपने कुछ लिख दिया वो डायरी। ऐतिहासिक शैली में इतिवृत्तात्मक घटनाओं को अन्य पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है। प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी आप देखें तो इसी शैली में है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी जाने वाली कहानियां हैं जो जिसमें कथानायक के मुख से प्रथम पुरुष कहलाई जाती है। ऐसी कहानी को पढ़ते समय लगता है जैसे कोई हमारा परिचित अपनी सच्ची गाथा सुना रहा है। आत्मकथात्मक ऐसे लगता है जैसे कोई मेरा जान पहचान के व्यक्ति मुझे अपनी कोई घटना सुना रहा है, दैट इज कॉल्ड हुआ आत्मकथात्मक शैली। प्रेमचंद की कौन सी कहानी है? शांति। शांति जो कहानी है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। संवादात्मक शैली वो जिसमें कहानियाँ जिसमें संवाद के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है, बहुत कम कहानियाँ जो संवादात्मक शैली में लिखी गई हैं। उसके बाद आ जाता है पत्रात्मक शैली। जब ये हमारे मोबाइल फ़ोन टेलीफोन वगैरह या ये कुछ जो टेलीविज़न ये वगैरह इतनी इतनी इनका प्रसार नहीं था, तो उस समय एक पत्रात्मक शैली हुआ करती थी। लोग पत्र लिखा करते थे एक दूसरे को, उसमें घटनाएं लिखा करते थे। तो पत्रात्मक शैली की कहानियाँ, उसमें प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे। इस प्रकार ये पत्रात्मक पत्रों के उत्तर लिखे। तो प्रेमचंद की दो सखियाँ कहानी ऐसी ही कहानी है जिसमें पत्रात्मक शैली अपनाई गई है। डायरी शैली में कहानी में कथाकार डायरी डायरी के पृष्ठों को उद्धृत करके कहानी में कह डालता है। तो जब डायरी शैली होती है जिसमें लेखक अपनी कुछ घटनाओं को अपनी डायरी में लिख देता है, तो वो उसको कभी क्रमबद्ध करके, जब उसको घटनाओं को क्रमबद्ध करके उसको सही रूप में प्रस्तुत कर दे, तो डायरी शैली में कहानी बन जाती है। तो प्रेमचंद कृत एक कहानी है प्रेमचंद की, मोटेराम शास्त्री। मोटेराम शास्त्री जो है वो इस प्रकार की शैली में लिखी गई कहानी है। अब अंतिम जो है इसका कहानी का उद्देश्य है। उद्देश्य में आपने देखिए, देखिए आप, मैं आपको क्लास में भी कहता हूँ कि आप आज एमए की क्लास में बैठे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य अब यही रहता है कि हमने एमए पास करना है। उसके बाद अगला उद्देश्य होगा कि आपने कौन सी नौकरी करनी है, या कौन सी जॉब में जाना है, किसी व्यवसाय में जाना है, टीचर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, वो बात की है। तो अभी आपका उद्देश्य ये रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का हर रोज़ जब वो अपने कार्य पर निकलता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य साथ में रहता है। हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम खेलते हैं, हम सोते हैं, हम उठते हैं, हमारा इसमें सभी में कुछ ना कुछ उद्देश्य छिपा है, ठीक है ना। तो एक ज़माना था जब कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन कहाना था, कराना था। अभी कहानियाँ लिखी जा रही हैं और कहानियाँ जो हैं वो दादा दादी नाना नानी कहानी सुना रहे हैं। चलो बच्चे आ जाओ, आपको कहानी सुना, राजा रानी की कहानी सुना दी, परियों की कहानी सुना दी, चलो जी बच्चों को नींद आ गई। आज की कहानी का उद्देश्य किसी सत्य प्रतिष्ठा आ, 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 को लेकर लिखा जाता है, लिखी जाती है कहानियाँ। अब आज की कहानियाँ सुलाने के लिए नहीं है, अब तो ये जगाने की कहानी है, जागने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। कहानी का आरंभ और अंत कैसा होना चाहिए? आरंभ और अंत किसी कहानी के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। भी शुरुआत आपने कहानी की कैसे करनी है, उसका विकास कैसे हो, प्रवाह कैसा हो, और अपने उद्देश्य की ओर जाती हुई अपने उद्देश्य को प्राप्त करती हुई पाठक वर्ग के मन पर एक जैसा प्रभाव डाल दे। एक पाश्चात्य विद्वान के अनुसार कहानी का आरंभ अंत और अंत घोड़दौड़ के समान होता है, जैसे घोड़ा घोड़े की दौड़ होती है। अतः कहानी का आरंभ आकर्षक तथा चमत्कारपूर्ण हो, संतोषजनक और अमिट प्रभावकारी होना चाहिए। कहानी किसी भी शैली में शुरू की जा सकती है, किसी भी शैली में, इसमें कोई दो राय है कि आप किसी शैली में आप शुरू कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि उसका प्रभाव इतना आकर्षक हो कि जब एक लेखक द्वारा लिखी गई कहानी को पाठक वर्ग पढ़ना आरंभ करे, जब तक उस कहानी को पूरी की पूरी पढ़ करके खत्म न कर दे, समाप्त न कर दे, तब तक वो सांस ना ले। ऐसी कहानी होनी चाहिए,
बस शर्त है कि उसका प्रभाव इतना आकर्षक हो कि पाठक वर्ग उस कहानी को पूरी समाप्त करने के बाद ही वहाँ से उठे। ये है। तो उसके बाद कहानी के शीर्षक की बात करते हैं कि कहानी के शीर्षक कैसे होने चाहिए। आशा करता हूँ बेटे आज का, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो मैंने कहानी के कुछ तत्व, परिभाषा, स्वरूप, कहानी का नामकरण और उसके तत्वों के बारे में आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है। और इसको जब अब हम आगे करेंगे, अब इसका शीर्षक की बात करेंगे, कहानी का शीर्षक क्या है, कैसा होना चाहिए, और प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है और विकास। अब अगले लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा कि कहानी का विकास। ऐसे ही फिर हम उद्देश्य हमारा परिपूर्ण हो जाएगा कि हमने कहानी वाला प्रश्न पूरा कर लिया है। तो अब इन जो पहला लेक्चर है मेरा, अब ये इन दोनों को आप सुन करके मुझे बताना कि आपको कुछ कहानी के बारे में क्या पता चला, क्या कुछ समझ में आया या नहीं आया, तो मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। और अगला लेक्चर जो है मैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र आपको मैं डाल दूंगा। बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्रेम आप सबको। आप सभी स्वस्थ रहें और अपने घर में सभी जो छात्र हैं वो अपनी एग्ज़ाम्स की परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। इसी के साथ ही अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। नमस्कार।